फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल स्नैक। इसके लिए लिया है हमने साबूदाना। ये छोटा वाला साबूदाना है, मीडियम साइज़ का। इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे और इसको एक बाउल में हमने कर दिया है ट्रांसफ़र। अब हम इसी जार में डालेंगे धनिया पत्ती, 3 से 4 हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा। हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन आप 3 से 4 डालेंगे, इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। इससे ये स्नैक बहुत ही चटपटा बनता है। आप इसे व्रत में खा सकते हैं, ऐसे भी आप इसे बना के खा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और इन सबको दरदरा पीस लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसे पीस लिया है। और हम इसे इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमने लिया है 3 उबले हुए आलू। इसको हम इस बाउल में इसको हम ग्रेट कर देंगे, इन आलू पोटैटोस को। आप इस नाश्ते की तैयारी रात में करके भी रख सकते हैं, जिसे आप सुबह सिर्फ इसे फ्राई करके खा सकते हैं। इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। बिल्कुल आटे ऐसा डो बनाएंगे इसका हम, सॉफ्ट सा। तो हमने इसका डो रेडी कर लिया है। अब हम लगाएंगे थाली में थोड़ा सा देसी घी। जो बैटर हमने बना के रखा है उसे हम इसमें दबा दबा के ऐसे हम एक बाउल की मदद से अच्छे से इसे दबाएंगे और इसे एक बर्फ़ी के आकार में इसको हम यहाँ पे थाली में सेट कर देंगे। तो फाइनली जो है हमने इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। अब हम इसके पीस कर लेंगे बर्फ़ी की तरह। आप इसे किसी भी शेप का काट सकते हैं। ये खाने में हेल्दी भी है और टेस्टी भी होता है। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो फाइनली 15-20 हो चुके हैं। अब हमने इसके जो है सारे पीसेस निकाल लिए हैं। अब चलते हैं इसको हम फ्राई करने। इसमें पैन चढ़ाया, उसमें हमने ऑयल डाला है, इसको हमने हीट करके रखा है। अब हम इसमें एक एक पीस करके सारे जो हमारे पीसेस हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसको चम्मच से आप धीरे धीरे उलट पलट के अच्छे से गोल्डन एंड ब्राउन होने तक सेकेंगे। आप इसकी प्रिपरेशन रात में भी करके रख सकते हैं, आप इसे सुबह फ्राई करके खा सकते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है, प्लीज़ ट्राई करें और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो। फाइनली ये हमारे जो हैं वो स्नैक वो गोल्डन एंड ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसे किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप फास्ट में हैं तो आप इसे फास्ट की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो फाइनली हमारा ये हेल्दी स्नैक रेडी हो गया है। ये खाने में बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी है, तो ट्राई करें इस अमेजिंग सी रेसिपी को।